हे माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू तड़का विद स्टाइल। और नवरात्रि आने वाले हैं तो इसलिए आज व्रत स्पेशल रेसिपी में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 नवरात्रि की सबसे यूनिक और टेस्टी यम्मी रेसिपी। जी हाँ, व्रत की टेस्टी सब्जी। तो हम हमेशा व्रत में कुछ ना कुछ बनाने की सोचते हैं जो डिफरेंट हो, तो आज वही प्रॉब्लम हम आपकी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्रत वाले आलू की सब्जी तो हम सभी को बनानी आती है। आज सीखते हैं कि व्रत वाला टेस्टी मलाई कोफ्ता कैसे बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे लिए हैं 2 बॉइल्ड और ग्रेटेड पोटैटो, साथ ही डाला है 1 कटोरी पनीर। जी हाँ, इसी से हमारे जो मलाई कोफ्ते के कोफ्ते हैं वो सॉफ्ट बनने वाले हैं। साथ ही डाली है ग्रेटेड जिंजर और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक। अच्छे से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और फिर इनके छोटी छोटी बॉल्स बनाकर हमारे यम्मी कोफ्ते बनाएंगे। सो सेंधा नमक और काली मिर्च से ये हमारे व्रत वाले कोफ्ते बनेंगे। और अब इसमें हमने अंदर काजू और किशमिश मिला दिया है और इस तरह गोल बॉल्स मिला लेंगे। अब बनाते हैं इसकी ग्रेवी। बहुत ही सिंपल है। 1 कटोरी काजू लेना है, 1 कप दूध लेना है, दोनों को हमारे ब्लेंडर में डाल देना है और फिर बहुत ही केयरफुली इसे ब्लेंड कर देना है। तो बिल्कुल बारीक हमारी ये ग्रेवी हो जानी चाहिए और देखिए कितनी स्मूथ एंड शाइनी लग रही है। अब यहाँ हमने एक नॉनस्टिक पैन चढ़ा दिया है, उसमें 2 चम्मच तेल डाला है और अब इसमें यम्मी टेस्ट लाने के लिए हम डालेंगे इलायची, ग्रेटेड जिंजर और हरी मिर्च। अच्छे से इन तीनों चीजों को पकाना है और अब इसमें हमारी जो ग्रेवी है वो ट्रांसफर कर देनी है। तो यस, आप इसी ग्रेवी को घी में भी बना सकते हैं, पर ऑयल से ये अच्छी तरह पक जाएगी और घी से बहुत हैवी भी हो जाती है। ऑलरेडी हमने इसमें काजू डाले हुए हैं तो थोड़ा सा दूध और मिलाएंगे और अब इस अच्छे से पकी हुई ग्रेवी को हम कर लेंगे थोड़ा सा डायल्यूट। सो काजू डालने से ये जो हमारी ग्रेवी है इतनी क्रीमी और स्मूथ बनेगी कि बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले मलाई कोफ्ते का टेस्ट आपको इसमें आने वाला है। साथ ही हमने डाला है काली मिर्च, सेंधा नमक एंड अ पिंच ऑफ शुगर। तो शुगर आपको थोड़ी डालनी है पर जरूर से डालनी है क्योंकि इसी से परफेक्ट मलाई कोफ्ते का टेस्ट आएगा और व्रत में भी आपको व्रत वाला मलाई कोफ्ता खाने में बेहद मजा आएगा। और अब मैंने इसमें यहाँ डाली है फ्रेश क्रीम। थोड़ा सा इसे पकाएंगे और यकीन मानिए जो अदरक और हरी मिर्च का इसमें टेस्ट आने वाला है वो बहुत ही औसम आएगा। तो चलिए थोड़ा सा वाटर डालकर इसे थोड़ा सा और पतला किया है क्योंकि लगातार ये काजू से गाढ़ी होती जा रही है। और डालेंगे इसमें ग्रेटेड पनीर। तो सारी सामग्री जो यूज की है वो व्रत वाली होती है और इसलिए व्रत वाला मलाई कोफ्ता इस नवरात्रों में आपको बेहद पसंद आएगा। तो देखिए अब हमने यहाँ पर जो हमारी बॉल्स बनाई थी वो भी तल ली है और कितने यम्मी लग रहे हैं। तो सर्व करने के टाइम ही हमें इन कोफ्तों को ग्रेवी में डालना है और कितने क्रीमी ये लग रहे हैं। तो होप आपको ये नवरात्रि स्पेशल 2022 की व्रत वाली रेसिपी यानी मलाई कोफ्ता व्रत वाले पसंद आए होंगे। और मिलेंगे फिर यहीं तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन हैप्पी नवरात्रि, बाय।